भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के घेरे में गोगुंदा रेंजर व उदयपुर सहायक वन संरक्षक आते आते बच गए। भनक लगने से पहले ही भ्रष्टाचारी सतर्क हो गए। ऐसे में कार्यवाही सफल नहीं हो पाई। हालांकि एसीबी उदयपुर की टीम ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि अप्रैल माह में मोजावत गोगुंदा में तैनात वनपाल ने एसीबी में शिकायत दी थी कि वानिकी विकास कार्यक्रम के तहत 10 लाख रुपए का कमीशन लेने के लिए गोगुंदा रेंजर रवि माथुर व उदयपुर सहायक संरक्षक नरपत सिंह राठौड़ पिछले कई महीनों से दबाव बना रहे हैं। पूर्व में वनपाल ने 3.5 लाख रुपए की राशि दे दी, जबकि 6.5 लाख रुपए की राशि के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसे में वनपाल ने एसीबी की टीम से शिकायत की, लेकिन दोनों ही शातिर निकले और एसीबी की कार्रवाई को भांप गए। ऐसे में एसीबी की कार्रवाई विफल रही। हालांकि रिश्वत की मांग करने को लेकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसीबी की टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। माह अप्रैल में वनपाल मजावत नाके पर जो तैनात था गोगुंदा इलाके में, उसके द्वारा ब्यूरो में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसी के अधिकारी रवि माथुर, जो उस वक्त में क्षेत्रीय वन अधिकारी गोगुंदा तैनात थे, और नरपत सिंह राठौड़, जो भी क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिनके पास में सहायक उप वन संरक्षक का भी चार्ज था उदयपुर में, उनके द्वारा वानिकी विकास कार्यक्रम के जो योजनाओं में जो कार्य करवाए गए थे उनके कमीशन की मांग की जा रही थी, करीब 10 लाख रुपये। तो इसमें ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया था, जिसमें उन दोनों आरोपियों द्वारा 3.5 लाख रुपए प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति की गई तथा 6.5 लाख रुपए की लगातार इस वनपाल से डिमांड कर रहे थे, जिसमें सत्यापन करवाए जाने के पश्चात ब्यूरो ने टेप की कार्रवाई का आयोजन किया, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से टेप की कार्रवाई सक्सेस नहीं हो सकी। बाद में इन लोगों के विरुद्ध में डिमांड का मामला प्रूव होने से इनके विरुद्ध में, जो रवि माथुर है और नरपत सिंह राठौड़ क्षेत्रीय वन अधिकारी के विरुद्ध, ब्यूरो ने प्रकरण दर्ज किया है, जिसका अनुसंधान जारी है।